पर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि चंद लोगों का मल्टीनेशनल कंपनीज पे अधिकार हो गया, जिसकी वजह से ये हमारे तमाम भाई आज भी सब कुछ होने के बाद में भी अभावों में जी रहे हैं। आज के समय में आर्थिक रूप से आर्थिक सामंतवाद एक नया हमारे पश्चिमी राजस्थान में आ चुका है। वोट की राजनीति के लिए एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की ये जो प्रथा शुरू हो रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र का पावन मंदिर है, इसकी एक गरिमा है। मैं सबसे छोटा हूं, यहां तमाम जितने भी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो। ये सब चीजें जब हम देखते हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी देखती है, जब युवा साथी देखते हैं जो बाहर बैठे बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं, वो प्रदेश की तमाम जनता जो सोच रही है कि साहब अंदर बैठे हुए जनप्रतिनिधि कुछ अच्छी बात करेंगे, हमारे इस प्रदेश की बात करेंगे, यहां के विकास की बात करेंगे, जब ये चीजें सुनते हैं तो आप सोचो कि उन पे क्या गुजरती होगी। जब ये सदन चलता है तो 10-10 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग होती है कि माननीय सदस्य अंदर बैठ के इस प्रदेश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। पर आज के समय में क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मंडर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। विराजमान कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहेब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।